चलिए अभी इपॉक्साइड्स की रिएक्शंस जो थी ना, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशन हमको देखने हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या था, इट वॉज रिएक्शन विद दिस एल आई एल एच फोर। ठीक है, एल आई एल एच फोर, इसमें क्या होता है तो हम बोलेंगे एच निगेटिव जो होता है ना, हाइड्राइड आयन, इसके थ्रू रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एसिड कैटेलाइज्ड नहीं है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन हो जाएगी इट इज न्यूक्लियोफाइल इनिशिएटेड या बेस कैटेलाइज्ड। ठीक है, तो इपॉक्साइड्स पर जो न्यूक्लियोफाइल इनिशिएटेड या बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू इनिशिएट होती, मतलब कैसी होती हैं, दीज आर एसाइन टू टाइप। ठीक है, और एसाइन टू रिएक्शन आर स्टेरिकली गवर्न, इस वजह से एच निगेटिव का अटैक क्या होगा, तो हम बोलेंगे इपॉक्साइड के उस कार्बन पर होता है जहां पर स्टीरिक हिंडरेंस कम होता है। ठीक है, तो इसमें से एल आई एल एच फोर में से एच निगेटिव निकलेगा वो इस कार्बन पर जाएगा, क्योंकि यहाँ मिथाइल था इसलिए स्टीरिक हिंडरेंस ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ इस कार्बन पर अटैक होगा, इपॉक्साइड की रिंग ओपन हुई, तो इधर ऑक्सीजन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एच इस कार्बन पर आ जाता है ना। यदि यहाँ पर एल आई एल डी फोर होता ड्यूटेरियम, तो क्या हो जाता, डी यहाँ आ जाता। क्लियर है ये? ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है, ये कौन सी, इट इज विद दिस सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, इसमें भी रिएक्शन कैसी होती है, तो हम बोलेंगे ये भी एच निगेटिव इनिशिएटेड रहती है ना। अब हालांकि बोला क्या गया है यहाँ पर, इस रिएक्शन को AlCl3 की प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने, तो हमने बोला था कि जो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, इनमें एच पॉजिटिव या लेविस एसिड भी चल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, दैट एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, इस एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में AlCl3 क्या करेगा, पहले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है, इट्स नॉट प्रोटोनेशन बेसिकली, इट इज लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, दीज आर SN1 टाइप रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे अब न्यूक्लियोफाइल इपोक्साइड के उस कार्बन पर जाएगा जहां कैटायन स्टेबल हो सकता है। क्या बोले हमने वहां पर, एम्फेसाइज करके कि रिएक्शन में एक्चुअल कैटायन नहीं बनाना है। ठीक है, तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे एच निगेटिव ने इस कार्बन पर अटैक किया, रिंग ओपन हुई, क्या हो जाएगा, इधर मिथाइल और OH ना, दे आर ऑन द सेम साइड, और NaDH4 का एच इस कार्बन पर आ जाएगा, है ना, डी होगा तो डी यहाँ आ जाता है। क्लियर हुआ अच्छे से ये? ठीक है, हमने क्या बोला यहाँ पर, एच निगेटिव से क्या था, इट वॉज रिएक्शन इनिशिएटिव हुई थी, तो दैट वॉज SN2 टाइप, और यहाँ AlCl3 की प्रेजेंस में थी, तो रिएक्शन कैसी थी, दैट इज SN1 टाइप। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें क्या था, तो हमने बोला यहाँ पर रिएक्शन हमको करवानी थी इसमें, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है ना, यहाँ रिएक्शन जो थी किसके साथ थी, दैट इज HCl के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, दैट अगेन इज गोइंग टू बी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, नहीं, ये रिएक्शन भी क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड है। ठीक है, तो रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड होगी, तो एच पॉजिटिव इसको ओ को प्रोटोनेट करेगा, ओ के प्रोटोनेशन के बाद ना कौन सी चीज होगी, तो बोलेंगे Cl नेगेटिव जब अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन क्या है, दिस इज SN1 टाइप रिएक्शन। ठीक है ना, ये रिएक्शन जो रहेगी ये कैसी रहेगी, दिस इज SN1 टाइप की रिएक्शन। तो Cl नेगेटिव इसमें फिर से क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इपॉक्साइड के इस कार्बन पर आता है ना, ये इपॉक्साइड के इस कार्बन पर आएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो ये रिएक्शन भी क्या, दिस इज SN1 टाइप। एक्सक्यूज मी, तो ये रिएक्शन जो है क्या रहेगी, दिस इज SN1 टाइप रिएक्शन। ठीक है, अब हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो इसलिए Cl नेगेटिव इस कार्बन पर आ जाएगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहने वाला था। ठीक है, ये ड्राई Cl, तो इट कैन फंक्शन एज एन MD5, क्या बोलेंगे, मतलब से HCl का H इसको O को प्रोटोनेट कर देता है। क्लियर ही?
अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है ये किसके साथ, इट इज विद दिस हाइड्रोजोइक एसिड, इट इज N3H, ठीक है। तो हाइड्रोजोइक एसिड में भी ये चीज रहेगी कि इसका एच जो है ये क्या करेगा, इट इज ओ को प्रोटोनेट कर देता है ना। इसका जो हाइड्रोजन है जिसको ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, तो ये रिएक्शन भी हाइड्रोजोइक एसिड वाली भी क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये भी SN1 टाइप की हो जाती है ना। हाइड्रोजोइक एसिड वाले रिएक्शन जो है ये भी SN1 टाइप हो जाएगी, ठीक है। ये SN1 टाइप है मतलब इसका प्रोटोनेशन हुआ N3 नेगेटिव, क्या करेगा तो हम बोलेंगे फिर से ये इपॉक्साइड के उस कार्बन पर आ जाएगा जहां कार्बो कटाइन क्या रहने वाला था, ज्यादा स्टेबल रहने वाला था। आया समझ में, ठीक है। तो हम पांच चीज बोलते हैं, तो हमने बोला N3H में से H पॉजिटिव ने O को प्रोटोनेट किया, और उसके बाद से कौन सी चीज, इट इज N3 नेगेटिव जो होता है, ठीक है। इस N3 नेगेटिव का हमने इपोऑक्साइड के उस कार्बन पर अटैक करवाया जिस पर क्या था, न्यूक्लियोफाइल का, हमने बोला यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल था, क्लियर है अच्छे से। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलेंगे नहीं कौन सी है, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया है। तो अमोनिया के साथ वाली जो रिएक्शन है ये क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है इस बार, तो ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोफाइल इनिशिएटेड रिएक्शन, ठीक है, मतलब बेस कैटेलाइज्ड। और ये रिएक्शन क्या होता है, तो हम बोलते हैं ये SN2 टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ अमोनिया इपॉक्साइड के इस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर क्या है, स्टीरिक हिंडरेंस कम है, ठीक है। अमोनिया इपॉक्साइड के इस कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, तो क्या हो जाएगा, OH इस कार्बन पर आ जाएगा, NH2 यहाँ है ना। कौन सी चीज से, तो हम बोलते हैं NH3 पॉजिटिव बनेगा इनिशियली, तो जब अमोनिया का अटैक होगा फिर इस पर से H पॉजिटिव निकल कर यहाँ चला जाता है, समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, रिएक्शन SN2 टाइप, इसलिए अमोनिया का अटैक यहाँ, तो इस बार O इस कार्बन पर रहेगा जिस पर क्या लगा था, दैट मिथाइल ग्रुप, क्लियर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो होती है, ये कौन सी रहेगी, दिस इज रिएक्शन विद दिस ETO नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन ETO नेगेटिव एंड ETOH, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ETO नेगेटिव वाली जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये वाली रिएक्शन जो होती है, दिस इज व्हाट दैट न्यूक्लियोफाइल इनिशिएटेड रिएक्शन है ना। ETO नेगेटिव की जो रिएक्शन होती है ये क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे दिस इज न्यूक्लियोफाइल इनिशिएटेड रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल इनिशिएटेड है, तो कौन सी चीजों की, तो हम बोलेंगे फिर से ये SN2 टाइप की है, ठीक है। SN2 टाइप है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रिंग ओपन होगी, बट ETO नेगेटिव क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इपॉक्साइड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ स्टीरिक हिंडरेंस कम, O पे नेगेटिव आएगा उसको कौन प्रोटोनेट करेगा, तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट से वो H पॉजिटिव निकाल देता है, ठीक है, है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो रहेगी ये किसके साथ, इट इज विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में आपको कौन सी चीज ध्यान रखनी है, तो हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन जो होती है ये कभी भी क्या नहीं होगी, तो हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन कभी भी SN1 नहीं हो सकती ना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड के अंदर H पॉजिटिव डाला तो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड और H पॉजिटिव की रिएक्शन हो जाती है, तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जो होगी इट कैन नेवर बी एसिड कैटेलाइज, दिस ऑलवेज इज गोइंग टू बी SN2 टाइप, समझ आ गई बात ये, ये हमेशा SN2 टाइप रहेगी। तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड का यहाँ इपॉक्साइड के इस कार्बन पर अटैक होगा जिस पर क्या था, स्टीरिक हिंडरेंस कम, फिर क्या हुआ, रिंग ओपन हो गई, रिंग ओपन होने से O पे नेगेटिव चार्ज आया, जब आप H3O पॉजिटिव डालोगे तो H यहाँ आ जाता है, ठीक है, है ना। तो इट इज इपॉक्साइड का ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन, इसको नोट लगा के लिखना है, इट कैन नेवर बी एसिड कैटेलाइज, क्योंकि कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड का R पहले उसी से रिएक्शन कर लेता है, समझ आ गई बात ये, है ना। तो H पॉजिटिव इनिशिएटेड नहीं हो सकती, ये जो H3O पॉजिटिव है बाद में डाला गया है, क्वेश्चंस में आपको बुक्स में सब देखने को मिलेगा कि इसको साथ में डाल दिया है, पर कभी भी गलती से भी असाइनमेंट मत कर देना, बुक वाले 1 and 2 लिखना भूल जाते हैं, बट एक्चुअली 1 and 2 ये साथ में हो ही नहीं पाते, अदरवाइज अल्केन बन जाता है, क्लियर ही है ना। इसके बाद फिर अगली रिएक्शन जो है वाटर से ही है, लेकिन इस बार वाटर में क्या किया है, ऑक्सीजन जो उसका आइसोटोप लिया है ना, दैट इज O स्टार, ठीक है, क्या लिया है यहाँ पर, दैट इज O स्टार लिया है, ठीक है।
आप कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एच पॉजिटिव का एच पॉजिटिव से प्रोटोनेशन हुआ और इसके बाद वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो कौन सी चीज है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे जो स्टार वाला ऑक्सीजन है इपोक्साइड के इस कार्बन पर आएगा जहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये ओ एच स्टार वाला यहाँ, ये वाला ओ एच यहाँ, ना दिस इज व्हाट व्हाट इन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द मैकेनिज्म टू बी एस एन वन टाइप। क्लियर है, लास्ट में फिर केसीएन का रिएक्शन फिर से एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में, फिर से एच पॉजिटिव इसको प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेशन हुआ, सीएन नेगेटिव इस कार्बन पर जाएगा जहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होता है, मतलब जहां पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है ना, तो ये वाले सारे एक टाइप के क्वेश्चन है बट इससे अपने को कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान हो जाएगा, है ना। अभी दो अच्छे क्वेश्चन थे इनमें ना, क्या है यहाँ पे, तो हमने बोला ये इपोक्साइड है, यहाँ पे साइड में CH2Cl लगा है, एंड हियर इट इज व्हाट दैट MeO नेगेटिव। ठीक है, अभी MeO नेगेटिव जो होता है ये क्या करेगा, हम बोलेंगे MeO नेगेटिव जो है ये क्या करेगा, इट इज एसिंग टू अटैक रिएक्शन के से, दिस इज न्यूक्लियोफाइल इनिशिएटेड। ठीक है, तो एसिंग टू अटैक में MeO नेगेटिव इपोक्साइड के इस कार्बन पर गया जिस पर क्या था स्टीरिक हिंड्रेंस कम था। ठीक है, MeO नेगेटिव इपोक्साइड के इस कार्बन पर आता है जहां पर ना स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है। क्लियर है, जहां क्या रहेगा तो हम बोलेंगे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है। अब क्या हुआ, तो हमने बोला जब पाई बॉन्ड टूटा ओ के ऊपर क्या आया, दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी ओ नेगेटिव क्या करेगा, हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इस कार्बन पर जिस पर क्लोरीन लगा है इस पर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, दैट इज व्हाट दैट SnNGP। इससे क्या हो जाएगा, सीएल हट जाता है और इपोक्साइड फिर से बन जाएगा, बट पहले इपोक्साइड में क्या था, दोनों कार्बन नॉर्मल थे, अब एक कार्बन नॉर्मल और एक किसा हो जाएगा, दैट इज स्टार वाला, मतलब इट इज रेडियो एक्टिव कार्बन। समझ आई बात, ये यहाँ पर भी हुआ तो क्या, इट इज नॉर्मल SN2। ठीक है, SN2 से जो प्रोडक्ट बना उसमें ओ नेगेटिव ने इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया उस कार्बन पर जिस पर सीएल लगा था, एंड दैट वॉज स्टार मार्क्ड कार्बन, तो इसमें फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज इपोक्साइड विद डिफरेंट कार्बन विच वॉज इनिशियली नॉट द पार्ट ऑफ इपोक्साइड रिंग। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू कीप इन माइंड। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, दिस इज इवन अ बेटर वन, है ना, इसमें भी समझ में आ गया नहीं, इसमें SnNGP वाला फंडा भी लग गया अपने साथ में ना, है ना। अब कौन सी चीज है, इपोक्साइड है, इस पर रिएक्शन किसकी कर रहे हैं, दैट इज PH3Pk। ठीक है, तो इपोक्साइड पर जब PH3P का रिएक्शन होगा तो ये PH3P इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा विच इज ऑपोजिट साइड टू दैट ऑफ O, इससे इपोक्साइड की रिंग ओपन हुई, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें फॉस्फोरस पर क्या आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और इधर O पर क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, अब क्या यहाँ पे, अब ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, इट अराइजेज नाउ, इधर O नेगेटिव इधर P पॉजिटिव, अब ये बॉन्ड तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे रिंग जो थी वो ओपन हो चुकी थी, ये क्या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या, दीज आर ऑन ऑपोजिट साइड, तो अभी पॉजिटिव घूम कर ऊपर जाएगा या नेगेटिव घूम कर नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा जब होगा ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, पी ऐसा माना हमने इस बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन से पी ऊपर गया, अब जब पी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिथाइल यहाँ और एच यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होगा तो सारे ग्रुप्स घूमे, तो अभी मिथाइल इधर चला गया और एच यहाँ आ गया, जब क्या हुआ, ओ नेगेटिव एंड पी पॉजिटिव दोनों सेम साइड आए। ठीक है, अब क्या हुआ, ओ नेगेटिव पी पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इन्होंने जब बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर क्या बन गया, दिस इज दैट फोर मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये क्या था, तो हमने बोला जो फोर मेंबर्ड रिंग थी, दिस वॉज बीटेन, जो किसका इंटरमीडिएट था, तो हमने बोला दैट इज विटिग रिएक्शन का, आया याद ये, है ना, तो दिस इज रियली ब्यूटिफुल, तो इससे क्या बन गया, अभी बीटेन बन गया, इसको अपन ने गर्म किया ही था, क्या होता है यहाँ, हम बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में, जिससे ओ पे नेगेटिव आ जाएगा, फॉस्फोरस कार्बन बॉन्ड कार्बन के फेवर में, जिससे पी पे पॉजिटिव आ जाएगा, पी पॉजिटिव ओ नेगेटिव, पी डबल बॉन्ड ओ बना, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्या बन गया, दैट इज कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, बट यहाँ पे इपोक्साइड में मिथाइल मिथाइल देवर सिस, बट प्रोडक्ट में मिथाइल मिथाइल क्या हो गया, दे आर ट्रांस। समझ आ गई बात, ये दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन है, इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग हुई तो ये वाला फंडा लगा, अब इससे ओ नेगेटिव पी पॉजिटिव क्या हुआ, बॉन्ड सिंगल रोटेशन हुआ, पॉजिटिव ऊपर पहुंचा, बट मिथाइल और हाइड्रोजन भी स्पेस में इंटरचेंज हो गए।
ठीक है, ओ नेगेटिव पी पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, फोर मेंबर साइक्लिक रिंग बन गई, बीटेन इंटरमीडिएट जिसमें अभी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में, फॉस्फोरस कार्बन बॉन्ड कार्बन के फेवर में, इधर सी पॉजिटिव इधर सी नेगेटिव क्या बन गया, दैट इज बॉन्ड, और यहाँ पे पी पॉजिटिव ओ नेगेटिव क्या बन गया, दैट इज बॉन्ड। आगे ने बात समझ में अच्छे से है, तो ये ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाले दोनों स्पेशली, और बाकी ये भी ठीक क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस से अपने को कॉन्सेप्ट जो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, तो इनको ढंग से एनालाइज करके नोट कर लीजिए।